हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बात करें तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट प्लेइंग 11 की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा मुकाबला 1 मार्च को खेला जाएगा। यह मैच इंदौर के मैदान पर होगा। भारत दोनों ही मुकाबले को जीत कर सीरीज में बढ़त बना चुका है। तीसरा मुकाबला जीतकर भारत की नजर सीरीज पर रहेगी। कप्तान रोहित शर्मा चाहेंगे कि भारत का जीत ऐसा ही चलता रहे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए यह मैच भारत के लिए अहम होने जा रहा है। साथ में ही टीम तीसरा मुकाबला जीतकर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर आ जाएगी। वहीं फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस मैच के लिए रोहित शर्मा किस प्लेइंग 11 को मैदान पर खिला सकते हैं। अगर जो वहीं फ्रेंड्स बात करें तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड की, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों टीमों के बीच काफ़ी पुरानी है, जिन्होंने अभी तक 104 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें टीम इंडिया ने अब तक 32 मैच जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 43 मैच जीत चुके हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक 28 टेस्ट मैच जो कि ड्रा हो चुके हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर जो बात करें तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के तीसरा टेस्ट मुकाबले की प्लेइंग 11 भारत की प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएस भरत, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और अश्विन, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी। यह फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11। वही फ्रेंड्स, अगर जो बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एक बार प्लेइंग 11 की बात करें तो पैट कमिंस कप्तान, उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, मानस लाबू संगे, स्टॉबी स्मिथ, पीटर हैंडकॉम, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, नॉथन लियोन, टोड बर्फी। यह है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। वही फ्रेंड्स, यह दोनों संभावित प्लेइंग 11 तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए है। वहीं फ्रेंड्स, अगर जो बात करें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए तो फाइनल पर मंडरा रहा है संकट। ऑस्ट्रेलिया टीम भारत के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मैच हार चुकी है। अगर वो सीरीज के बाकी बचे 2 टेस्ट मैच भी हार जाती है और दूसरी तरफ श्रीलंका न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 अपने नाम कर लेती है तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर हो जाएगी। फिर मुकाबला फाइनल वाला श्रीलंका और भारत के बीच होगा। ऐसे में भारत के खिलाफ तीसरा और चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी। वहीं फ्रेंड्स, अगर जो बात करें तो भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का यह तीसरा मुकाबला 1 मार्च को इंदौर में खेला जाएगा। सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 बढ़त बना रखी है। तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। ओपनर केएल राहुल को बाहर भी कर दिया जा सकता है। वहीं फ्रेंड्स, अगर जो बात करें तो केएल राहुल ने शुरुआती दोनों टेस्ट की 3 पारियों में सिर्फ 35 रन बनाए हैं। पिछले दोनों मैचों में केएल राहुल को कप्तानी भी सौंपी गई थी, मगर आखिरी 2 मैचों के लिए बीसीसीआई ने राहुल से उप कप्तानी भी छीन ली है। ऐसे में अब उन पर प्लेइंग 11 से बाहर होने का भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं फ्रेंड्स, अगर जो बात कर तो शुभमन गिल की तो बात कर दावेदारी बेहद मजबूत भले ही है, मगर सूर्य कुमार यादव को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। सूर्या को भी राहुल की जगह मौका मिल सकता है, मगर उस सूरत में देखना होगा कि ओपनिंग चेतेश्वर पुजारा या विराट कोहली से भी कराई जा सकती है। वहीं फ्रेंड्स, अगर जो बात कर तो शुभमन गिल ने इसी साल वनडे में जमाया है दोहरा शतक। शुभमन गिल ने अपने पिछले 5 इंटरनेशनल मुकाबलों में 2 शतक जमाए हैं। यह शतक वनडे T20 में 1-1 आया है। हालांकि शुभमन गिल ने इसी साल वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रनों की दोहरा शतक ये पारी भी खेली थी। ऐसे में शुभमन गिल इस समय प्लेइंग 11 में शामिल होने के मजबूत दावेदार भी माने जा रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का ये तीसरा मुकाबला, हालांकि 1 मार्च को ये मुकाबला इंदौर के मैदान पर होगा। भारत दोनों ही मुकाबलों जीतकर सीरीज में बढ़त हालांकि बना चुकी है। यह तीसरा मुकाबला भारत की नज़र सीरीज जीतने पर रहेगी। कप्तान रोहित शर्मा चाहेंगे कि यह मुकाबला ऐसे ही चलता रहे और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए यह भारत के लिए अहम होने वाला है। हालांकि साथ में ही तीसरा मुकाबला जीतकर आईसीसी
टेस्ट रैंकिंग में भारत पहले नंबर पर होना चाहेगी। वही फ्रेंड्स अगर जो बात करो तो साथ में ही तीसरा मुकाबला आईसीसी टेस्ट में रैंकिंग में भारत पहुंचने के करीबी है। इस सीरीज में भारत की पिचों की लेकर भी खूब हल्ला मचा है। आपको वही फ्रेंड्स बता दे कि तीसरे मैच की पिच कैसी रहने वाली है। वही तीसरा मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में होने वाला है। पिच बल्लेबाजों के मुरीद नजर आ रही है। वैसे भी जब भी बात करें इंदौर की होती है तो बल्लेबाजों के बल्ले से ही होते हैं। ऐसे में रोहित शर्मा के पास एक अच्छा भी चांस है कि दोहरा शतक इस मैदान पर लगा सकें। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये राहत भी खबर हो सकती है। वही फ्रेंड्स अगर जो बात करें तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की तो 1 मार्च को ये मुकाबला खेला जाएगा। हालांकि ये भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे यानी कि 9:30 AM पर यह मुकाबला शुरू होगा। वही फ्रेंड्स अगर जो बात करें तो रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया टीम के भारत के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मैच जीत चुके हैं। अगर वो सीरीज के बाकी बचे 2 टेस्ट मैच भी जीत जाते हैं और दो भारत नंबर 1 पर पहुंच जाएगी आईसीसी रैंकिंग में यानी कि भारत टॉप पर पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।